भाई को बहुत ही दिल से मेरे हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोगों को एकत्रित करके इतना भव्य रूप में एक बहुत शानदार रैली इन्होंने किया। हमारे आदि पुरुष हमारे भगवान श्री राम के सम्मान में और भव्य मंदिर के बनने के सम्मान में। क्रांति मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील हो रहा है कि 500 साल के बाद राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है कल? मुझे बहुत ही, जैसे समीर जी ने कहा, बहुत गर्वित महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल ना ही सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा होगी पर हर एक इंसान के अंदर का जो राम है वो जागरूक होगा और उसके बाद जो हमारा जीवन है वो सुनहरा ही होगा, सफल होगा, उज्जवल होगा। तो राम लल्ला के चरणों में इतनी प्रार्थना है कि सबके मन के अंदर आप बस जाइए और जैसे आप हमारे मनों पे और हमारे दिलों पर राज करते आ रहे हैं उसी तरह अभी हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। आप वहाँ पे अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाइए और बस हमसे सेवा करवाते रहिए। नीलोत्पल जी, क्या कहना चाहेंगे, समीर भाई जुड़े इस रैली के साथ में, साथ ही 500 साल के बाद मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर बन चुका है, इनॉग्रेशन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 500 साल का जो स्ट्रगल था मंदिर का उसमें तो हम लोग शामिल नहीं हो सके, बट जब कल श्री राम अपने अयोध्या में जब वास होंगे उस खुशी को दिखाने का एक मौका था जो हम लोगों ने इस शोभा यात्रा के फॉर्म में किया है। आपको मालूम होगा श्री समीर वानखेड़े जी के ऊपर बहुत आरोप लगा है इससे पहले कि वो मुस्लिम धर्म के हैं, वो दूसरे धर्म के हैं। आज उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है जब उन्होंने इस शोभा यात्रा को लीड किया। श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं समीर वानखेड़े जी और उन सारे आतंकवादी लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा है। दाऊद के जो लोग साथी मंत्री हैं उन सब के ऊपर तमाचा है कि जिसको वो जीवन भर मुसलमान करते रहे वो आज श्री राम के शोभा यात्रा को लीड किए हम सारे लोगों के बीच आए और उन सारे आतंकवादियों के ऊपर तमाचा है जो एक अधिकारी को रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे आज तक उस पर अटैक करते रहे। फिर भी श्री समीर वानखेड़े जी जब भी कोई हिंदू त्यौहार होता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं परिवार समेत और इनको किसी भी आतंकवादी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये देश की युवा सब जानती है कि कौन क्या है कौन नहीं है। आज देश के वैसे आतंकवादी का जहाँ जगह है वहाँ वो चले जाएँ, उनको अगर टिकट वीज़ा चाहिए हम सारे हिंदू पाकिस्तान का वीज़ा भी उनको अरेंज करा देंगे टिकट भी, और ऐसे अधिकारी के लिए हम सारे हिंदू भाई बहन की तरफ से एक सैल्यूट बनता है। जय हिंद, जय हिंद। और कल आप सब लोग दिवाली मनाएंगे, कल का दिन आपको लगता है आम जो हिंदुस्तानी है उसको किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? हो सकता है दिवाली साजरा करने वाले। सर, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बलिदान भी दिए है राम मंदिर के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? थोड़ा भावुक भी होते हैं, सब बहुत भावुक है। हम लोग सब लोगों का बलिदान कल सार्थक होने वाला है और जो जो जिन लोगों ने इसे सार्थक किया मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ उन्हें, और जिन्होंने ये संभव करके बताया है कि राम मंदिर का इतना भव्य निर्माण किया है मेरा दिल से हृदय से उनको। समीर सर, आपको नहीं लगता कि ये नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर कर देना चाहिए, हर वर्ष छुट्टी होनी चाहिए और हर साल इसी तरह से? केंद्र सरकार ने तो आधा दिन की छुट्टी दिया है तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे महाराष्ट्र
सरकार ने भी कई दिन छुट्टी साझा करने का 500 वर्ष के 500 वर्ष के इंतजार के बाद हम सबके प्रभु श्री राम अयोध्या में विराज रहे हैं। उसी शुभ अवसर पे हम लोग आज ये शोभा यात्रा कर रहे हैं। उस 500 साल के संघर्ष में हम लोग सम्मिलित नहीं हो सके, बट एक शोभा यात्रा हमारा प्रेम स्वरूप उस श्री राम के लिए है। हम बताना चाहते हैं कि सारे हिंदू बहुमूल्य देश जो भारत हमारा है वो सब एक साथ है, और जब कल प्रभु श्री राम अयोध्या में जब वो स्थापित होंगे उस प्रेम को दर्शाने के लिए हमारा एक शोभा यात्रा है जो कि हर जगह से गुजरेगी, और जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और सिर्फ एक प्यार दर्शाने का एक हम लोगों का एहसास है उस प्रभु श्री राम के लिए, जिसके 500 साल के संघर्ष में तो हम लोग नहीं शामिल हो सके, बट उनके स्थापना दिवस के पहले हम लोग अपना प्रेम दिखाने का एक मौका है जो हम लोग दिखा रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे भव्य निर्माण के बारे में जो कल होने जा रहे हैं हमारे लिए? प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सब संतन की जय, सकल हिंदू समाज की जय। पूरा देश राम में हो गया है, और कल का दिन अयोध्या में राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है ये समस्त देशवासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है, और हम सब लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग देख पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कि रामलला अपने मंदिर में कैसे विराजमान होंगे, और कल पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल देखने को मिलेगा। पूरे देश में मुंबई में हर गलियों में, कलीना के हर गली में हम लोग देख रहे हैं, सब जगह प्रभु राम के झंडे लगे हुए हैं, ओम के झंडे लगे हुए हैं, और पूरी युवा पीढ़ी से लेके और हमारे जो वयस्क हैं वहाँ तक लेके हमारे बुजुर्ग तक, और महिलाएं भी, हमारी माँ बहनें भी प्रभु राम के आगमन की तैयारी में सब लोग अपने अपने घर पे रंगोली निकाल के फूलों की आरती बना के और राम दीप प्रज्वलित करके प्रभु राम के आगमन की सब लोग राह देख रहे हैं। वो कल का शुभ दिन हम लोगों के सौभाग्य की बात है, और प्रभु राम सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें, भारत ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज की जो शोभा यात्रा है ये कहां से लेके कहां तक जाने वाली है? आज की शोभा यात्रा यहाँ विघ्नेश्वर स्थान मंदिर से होके वकोला के हनुमान मंदिर तक जाएगी, और बीच में जहाँ जहाँ मंदिर मिलेगा वहाँ पे हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जाएंगे। हर वर्ष के हर दिन होना चाहिए, हिंदू 80% हिंदू देश है तो वहाँ पे हर दिन होना चाहिए, हर दिन सब पूजा करता ही है, तो ये देश तो राम का देश, महादेव का देश, सारे भगवान का देश है, और ये ऐसा चीज़ आयोजन दिल में हर दिन हो, भले साल में एक बार करें तो अच्छा। कहा जाता है ये महाउत्सव है पूरी तरह से, और इस लोगों को एकत्र करेगा और आगे भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्या कहना? हिंदू हमेशा एक है जी, वो सड़क पर आते नहीं है, जिस दिन सड़क में आएंगे अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा। जय श्री राम।